नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज का खास कार्यक्रम हमारे मेहमान। तो हमारे आज के मेहमान है प्रसिद्ध ज्योतिष राजेश शर्मा जी। राजेश जी से पहले भी आप कई बार मिल चुके हैं और अलग अलग विषयों पर इनसे चर्चा की गई है। इस बार हमारा विषय रहेगा सूर्य ग्रहण, जो कि 26 दिसंबर को आने वाला है। यह सूर्य ग्रहण अपने आप में अनूठा है। वैसे तो इस साल का अंत आखिरी सूर्य ग्रहण है, लेकिन अब तक जो पिछले सूर्य ग्रहण हुए उसमें और इसमें काफी बदलाव है। क्या बदलाव है, किस तरह का बदलाव है, किसे लाभ होगा, किसे हानि पहुंचेगी और उनके क्या उपाय है, इन बातों को लेकर हम राजेश जी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले राजेश जी, आपका दोपहर न्यूज में स्वागत है। और ये बताइए सबसे पहले कि जो सूर्य ग्रहण होने वाला है ये 26 दिसंबर को, वास्तव में ये ग्रहण में क्या फर्क है और ये जो ग्रहण किस तरह का प्रभाव डालने वाला है, विशेषकर किस राशि पर क्या प्रभाव होगा, थोड़ा विस्तार से आप बताएं। बिल्कुल, ओम नमो नारायण। देखिए, ये जो इस साल का जो सूर्य ग्रहण जो होने वाला है ये अपने आप में अद्भुत होगा, ये अपने आप में अनुपम होगा और यदि कुछ अन्य भाषा में कहूँ तो थोड़ा सा विनाशकारी योग भी इसमें बन रहे हैं, क्योंकि 6 जो ग्रह योगों का जो संगम हो रहा है वो कुछ भारत के लिए, भारत की स्थिति के लिए ये अहित हो सकता है, अशुभ हो सकता है। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, 13 तारीख की रात को जो धर्म के राजा हैं, जो धर्मराज हैं, जो बृहस्पति देव हैं, वो अस्त होने जा रहे हैं। अब बृहस्पति देव जो होते हैं वो धर्म के कारक होते हैं, वो गृहस्थी अच्छी चलाने के कारक होते हैं, बिजनेस के कारक होते हैं और शुभता के कारक होते हैं। जब वो ग्रह अस्त होंगे तो बहुत सारी समस्या भी आने की संभावना बन रही है। फिर इसके बाद 28 तारीख को शनि देव, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, जो मुख्य न्यायाधीश है, ये अस्त हो रहे हैं। और ग्रह नक्षत्रों में गुरु और शनि बहुत अनुपम और बहुत बड़े ग्रह, महान ग्रह माने जाते हैं। एक जो होता है धर्म के बॉस होते हैं और एक होते हैं न्याय के बॉस होते हैं। जब दोनों ग्रह अस्त होते हैं और उसके साथ साथ जब सूर्य ग्रहण साल का होने जा रहा है तो कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित होंगी कि अराजकता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, अधर्म बहुत ज़्यादा पनप जाएगा, अनीति होगी। जो जनता जनार्दन है वो सरकार की नीतियों से, सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं उसके खिलाफ हो जाएंगी और बहुत उपद्रव वाला माहौल बन जाएगा। और हम देख रहे हैं कि जो धर्मराज, जो बृहस्पति देव जो है, वश होने की स्थिति में आ चुके हैं। तो आप देख रहे हैं जो हमारी माता बहनों के साथ में जो ये माहौल बना हुआ है, जो रेप कांड हो रहे हैं और ये जो भी महिलाओं के साथ में जो शोषण हो रहा है, ये कुछ और तक बढ़ जाएगा। आप मान के चलिए कि धर्म और न्याय के देवता जब सो जाएंगे, जब अंधे हो जाएंगे, जब प्रभावहीन हो जाएंगे, तो क्या मसला होगा और कैसा माहौल बन जाएगा, ये हम आगे चर्चा करते हैं। वैसे तो आपने देश लेवल की बात बताई, क्योंकि मध्य प्रदेश और केंद्र और इसकी बात बताई, क्योंकि अब होता क्या, इसके लिए तो खैर सरकार को उपाय करने। और हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि उनकी जो राशि के ऊपर पर्टिकुलर ये जो ग्रह हो रहा है, जो ग्रहण हो रहा है, ये ग्रहण किस राशि पर क्या प्रभाव डालेगा और उस प्रभाव के बचने के क्या उपाय क्या। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो मुख्य जो 4-5 राशियां हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभाव में आने वाली हैं। मुख्य रूप से सबसे पहले राशि होगी मेष राशि, उसके बाद में राशि होगी कन्या राशि, उसके बाद में होगी राशि वृश्चिक राशि होगी, धनु राशि होगी और मीन राशि होगी। ये वो 3-4 जो राशियां हैं जो गुरु अस्त होने के कारण, शनि अस्त होने के कारण बहुत सारी समस्याएं इन राशियों पर पड़ने वाली हैं। समस्याएं इस प्रकार से हो सकती है कि धन की किल्लत हो सकती है, जो काम बन रहे थे वो बिगड़ने शुरू हो जाएंगे या रुक जाएंगे, या शादी वगैरह की जो यदि बातचीत चल रही है तो वो विराम ले सकती है या रुक सकती है, या उसमें रुकावटें आ सकती है। हो सकता है कि जो गृह जीवन जो चल रहा होगा दंपतियों का, उसमें खटास आ जाए, उसमें परेशानियाँ आ सकती है। हो सकता है कि जो काम धंधा जो चल रहा है, व्यापार व्यवसाय जो चल रहा है, अचानक सरकारी मिशनरी उन पर आ सकती है और जैसे हम देखते हैं IT है, ED वगैरह के छापे वगैरह पड़ सकते हैं। इस प्रकार की जो इन राशियों की जो मैं बात कर रहा हूँ, इस प्रकार की समस्या इन पर आ सकती है। तो कुल मिलाकर धन से संबंधित और एक समस्या और आ सकती है, स्वास्थ्य संबंधित समस्या आ सकती है जो गुरु और शनि को लेकर पनपती है, जैसे मानसिक और शारीरिक परेशानियां, जैसे बीमारियां होती है, कैंसर होती है,
कैंसर होती है, डायबिटीज़ होती है, ये जो राशियाँ जो होती है इनसे इनसे संबंधित ये बीमारियाँ होती हैं, लाइलाज जो रोग होते हैं ये, तो ये समस्या इनमें आ सकती है, ये समस्या इसमें पनप सकती है। अब इसके उपाय क्या है? जी बिल्कुल, अब हम उपाय की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो बृहस्पति देव के जो उपाय हैं वो सबसे पहले उपाय ये हो सकते हैं कि गजेन मोक्ष का पाठ, गजेन मोक्ष का पाठ जो है ये सबसे उपयोगी और लाभकारी सिद्ध होगा, लेकिन जब हम इसे ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा असरकारक होगा। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम, जो ये नाम है ये भी बहुत मंगलकारी होते हैं। इसके अलावा जो है विष्णु चालीसा होता है, इसका हम पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैं आपको बहुत सुंदर मंत्र जो देने जा रहा हूँ, इस मंत्र का भी यदि जप करते हैं तो इसका भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। एक मंत्र आपको देता हूँ, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः। एक मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। एक जो मंत्र है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। एक विष्णु भगवान का और मंत्र है ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः। जब भी आप पूजा अर्चना करें, जब भी मंत्रों का जप करें तो प्रभु से आप किस मकसद के लिए कर रहे हैं वो जरूर बताइएगा प्रभु को कि प्रभु मेरी ये समस्या है, इसके अंतर्गत मैं आपके ये मंत्र जप करना चाहता हूँ। जब भी मंत्र करें ध्यान रखिएगा कि 1, 3 या 11 माला का जप करें और पीले फूलों की माला, पीले जो प्रसाद होते हैं, पीले फल होते हैं, उसका भोग लगाइए प्रभु को और छोटी छोटी कन्याओं में, छोटे बच्चों में बांट दीजिए तो निश्चित रूप से इसका होगा। एक उपाय और मैं बताना चाहता हूँ कि त्रिकोण झंडा जो होता है वो विष्णु भगवान के मंदिर पे लगा दीजिए, उसमें अपना नाम लिख दीजिए उंगली से। उसमें आप क्या करिएगा, जो अष्टगंड होते हैं गुलाब जल मिला लीजिएगा चीठी उंगली से, पास वाली उंगली से, और उसमें अपना नाम लिख दीजिएगा। और आपको ये करना है कि वो झंडा जो है वो हमेशा लहराते हुए होना चाहिए, डंडा भी आपका होना चाहिए। पंडित जी को उसके पैसे भी दे दीजिए कि पंडित जी डंडे के पैसे भी मैं आपको दे रहा हूँ, लगाने की दक्षिणा भी आप दीजिए ताकि संपूर्ण फल 100% 100% फल आप, उसका लाभ आपको ही मिले। इस प्रकार यदि वो उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो इनका जो नकारात्मक प्रभाव है, जो इनका अशुभता प्रभाव है, जो इनका नकारात्मक वाइब्रेशन है, उससे आप बहुत हद तक दूर हो जाएंगे। एक उपाय और कर सकते हैं आप, जो पंडित जी होते हैं कर्मकांड जो पंडित ही होते हैं उन्हें पीले कपड़ों का दान कर दीजिए, जैसे धोती हो सकती है, रुमाल हो सकता है, गमछा हो सकता है, पजामे कुर्ते वगैरह हो सकते हैं, इसका दान करिए तो निश्चित रूप से आपको इसका सकारात्मक प्रभाव और शुभता प्राप्त होगी। ये जो करीबन 6 राशि आपने बताया जो ज़्यादा प्रभाव होगी, कुछ राशि ऐसी भी जिससे ये ग्रहण कहीं ना कहीं लाभ पहुँचा? हाँ, इसमें बिल्कुल लाभ मिल सकता है। तो जैसे कौन सी राशि? इनके जो अतिरिक्त जो राशियाँ हैं, जैसे वृषभ राशियाँ हैं, मिथुन राशियाँ हैं, कुछ हद तक कन्या राशि भी हो सकती, तुला राशि हो सकती है, मकर राशि हो सकती है, कुंभ राशि होती है, इनमें इनको फायदा भी होगा। इनमें ये फायदा होगा कि रुका हुआ जो पैसा है वो मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आपका जो मियाँ बीबी के बीच में यदि खटपट चल रही हो वो दूर हो जाएगी, कोर्ट कचहरी में यदि कोई मसले आपके चल रहे हों तो वो भी कुछ हद तक हल हो जाएंगे। और हो सकता है विवाद की स्थितियाँ जो होंगी वो भी सुलझने की पटरी पर आ जाएंगी। और धन का जो शुभता है, धन जो रुके हुए हैं, यदि आप थोड़े से भी प्रयास करेंगे तो धन की प्राप्ति हो जाएगी। आपको इसका और अधिक यदि प्रभाव लेना है, इसका अधिक और प्रभाव लेना है तो केले का वृक्ष आप लगा दीजिए, मंदिर प्रांगण में लगा दीजिए और उसकी नियमित रूप से देखभाल करिए। ये केले के वृक्ष जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे निश्चित रूप से आपका कल्याण होता जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। और सभी राशियों के लिए मैं ब्रह्मास्त्र उपाय बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारी राशियाँ हैं उनमें आपको ये करना है कि जो असली केसर जो आता है सेफ्रॉन जिसे हम बोलते हैं, सेफ्रॉन थोड़ा हल्दी मिलाइए, थोड़ा सा सफ़ेद चंदन मिलाइए, गुलाब जल इसका पेस्ट बना के इसका जो तिलक है ये नाभि पे लगाइए, कंठ पे लगाइए, जुबान पे लगाइए, मस्तक पे लगाइए और इधर चोटी का जो स्थान होता है, मतलब 5 जगह पे आप लगाइए तो इससे चक्र आपके एक्टिव होंगे और नकारात्मक प्रभाव सीधे रूप से खत्म हो जाएंगे और शुभता आना आपकी शुरू हो जाएगी। और हल्दी जो है यदि दूध में घोल के भी सारे राशि वाले पीते हैं शाम के समय, और सुबह जब आप कार्यालय के लिए या व्यापार व्यवसाय के लिए निकलते हैं घर से तो हल्दी वाला दूध, उसमें केसर, हल्दी वाला दूध केसर, यदि सुबह शाम इसका भी आप धारण करते हैं या इसे ग्रहण करते हैं तो भी निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। और एक ज्योतिष सलाह से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ओपल या सुनहला या पुखराज, वाइट पुखराज भी आता है, सफ़ेद पुखराज भी आता है, पीला भी पुखराज आता है, तो ज्योतिष सलाह से यदि आप इसको भी ग्रहण करते हैं, लेकिन ज्योतिष सलाह से ही करिएगा,
तो निश्चित रूप से आपका इसका सकारात्मक लाभ मिलेगा, इसकी शुभता मिलेगी, इसकी कृपा निश्चित रूप से मिलेगी। कई लोग सूर्य का पूजन और सूर्य को जल भी चढ़ाते हैं, तो ये संक्षिप्त विधि से कुछ लाभ नहीं होगा क्या उनको? देखिए देखिए, बिल्कुल होगा। देखिए, जब आप सूर्य ग्रहण जैसे जब आएगा, जब सूर्य ग्रहण आएगा तो सूर्य की भी कृपा प्राप्त करने के लिए तो मैं तो सभी राशि वालों से विनती करूंगा कि सुबह 8 बजे के पूर्व हर व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, उन्हें नियमित रूप से सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो साक्षात देव हैं। आप उनमें हल्दी डालिए, यदि आपको गुरु का प्रभाव लेना है तो उसमें हल्दी डाल दीजिए, यदि आपको सूर्य का प्रभाव लेना है तो उसमें कंकु डाल दीजिए, गुड़ डालिए, चावल डालिए, गुलाब के फूल डालिए और गुलाब का इत्र थोड़ा सा डाल दीजिए। और आप जो मंत्र जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ओम आदित्य नमः, तो एक साधारण मंत्र है, उसमें रीम जोड़ दीजिए ताकि तांत्रिक मंत्र हो जाएगा, प्रभावशाली मंत्र हो जाएगा। ओम रीम आदित्याय नमः, ओम रीम आदित्याय नमः, ओम रीम घनी सूर्याय नमः। यदि आप इस मंत्र का 108 बार जप करते हैं और साथ ही गायत्री मंत्र का भी जप सूर्य देवता के सामने लाल आसन बिछाकर यदि जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रभाव मिलेगा और आपका जो प्रारब्ध है उससे भी आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा और सूर्य देवता की कृपा तो निश्चित रूप से मिलेगी। और ग्रहण के दौरान जो नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा होते हैं उससे भी आप मुक्त हो जाएंगे और सूर्य देवता पे निश्चित रूप से कृपा मिलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो पैर में पानी नहीं आना चाहिए, जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, या तो पौधा लगा दीजिए या तुलसी माता लगा दीजिए नीचे। और जब वो पानी थोड़ा सा बच जाता है, क्योंकि वो जल दिव्य जल बन जाता है, तो वो जो जल आता है उससे आप यहाँ पर तिलक कर दीजिए, वो जो बनेगा तो निश्चित रूप से आपका जो चक्र जो है या आज्ञा चक्र है ये एक्टिव हो जाएगा, इसके वाइब्रेशन आपके शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। तो सुना आपने किस तरह से सूर्य ग्रहण आपके जीवन पर प्रभाव डालने वाला है, किसी के लिए शुभ किसी के लिए अशुभ, हालांकि ग्रहों की चाल तो लगातार बनी रहती है, कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है, कभी कुछ बुरा होता है तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई के रास्ते भी रहते हैं, दोनों ही तरीके आपको पंडित जी ने बताए हैं। निश्चित इसमें से अगर आप आधे भी करते हैं तो आप काफी लाभान्वित हो सकते हैं। और इसके अलावा आपको अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए, ज्योतिष की सलाह चाहिए, तो पंडित जी का नंबर हम हमारे प्रोग्राम के तहत ही हम दे रहे हैं। पंडित जी से निवेदन है कि आप अपना नंबर भी बता दीजिए ताकि किसी दर्शक को डायरेक्ट आपसे कुछ संपर्क करना हो तो कर ले। देखिए बिल्कुल, मैं वो जानकारी दे देता हूँ। उसके पहले मैं एक चीज़ जो हम चर्चा करना चाह रहा हूँ मैं, कि शनिदेव भी जो है वो ग्रहण के बाद में अस्त होने जा रहे हैं। जब शनिदेव भी अस्त होंगे तो उनका भी नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। तो मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ कि जब शनिदेव अस्त होते हैं, जब न्याय के देवता अस्त होते हैं, तो अराजकता का जो माहौल जो राशियों पर जो हमें पड़ेगा, जैसे हमने कहीं कोर्ट कचहरी में मसले लगाए होंगे, पुलिस के कानून के चक्कर में दी होंगे, तो वो जो जितने भी जो मैटर हैं वो डिले हो सकते हैं, वो लेट लतीफ हो सकते हैं मैटर। तो उसमें आपको ये करना है कि पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखी दीपक एक तेल का जलाइएगा, और जो तलवे हैं अपने, मैं आपको एक बहुत बढ़िया ब्रह्मास्त्र उपाय बता रहा हूँ कि आपके जो तलवे हैं लेफ्ट को राइट हैंड से, राइट को लेफ्ट हैंड से नियमित रूप से सरसों का तेल लगाना शुरू कर दीजिए, शनिवार से शुरू करिए और निश्चित रूप से करिए। इससे फायदा क्या होगा कि एक तो आपकी जो लाइलाज बीमारियां जितनी है वो धीरे धीरे, जो बीमारी जिस रूप में आ चुकी है वो तो वहीं पर रहेगी लेकिन आगे नहीं बढ़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। आप वो उसको तेल की मसाज करिए और जो भी शनिदेव का जो नकारात्मक प्रभाव है उससे वो भी धीरे धीरे वो भी खत्म होने लग जाएगा, क्योंकि जो सरसों के तेल से शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तिल्ली के तेल से भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो यदि ये उपाय करते हैं, और दूसरा जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लूले लंगड़े लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उन्हें अनाज का और उन्हीं वस्तुओं का यदि दान करते हैं तो भी शनि के नकारात्मक प्रभाव में जीवन से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव जो है वो रोजगार के स्वामी हैं। हमारे जितनी भी रोजी रोटी चलती, नौकरी, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, व्यापार व्यवसाय करता, उसके कारक शनिदेव ही हैं। तो उस वो जितनी भी राशियाँ हैं, तुला राशि को छोड़कर, क्योंकि वो उनकी उच्च राशि है, उनके सबसे प्रियतम राशि है, उस राशि को छोड़कर और कुंभ राशि को छोड़कर, मकर राशि को छोड़कर, सारी जितनी भी राशियां, उसका नकारात्मक प्रभाव जब शनि अस्त होंगे तो निश्चित रूप से पड़ने वाला है। तो यदि आप ये उपाय करते हैं और शनि चालीसा यदि आप नियमित रूप से शाम के समय पढ़ते हैं, दशरथ शनि स्त्रोत पढ़ते हैं और शनि के 108 नामावली पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से शनिदेव प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनकी जो टेढ़ी नज़र होती है वो बहुत अहितकारी होती है, अशुभ
सत्ता वाली होती है, तो उससे बचने के लिए इस मंत्रों का जाप करिए, उपाय का जाप करिए, तो उससे माया जाल से आप शनि के टेढ़ी नज़र से भी बच जाएंगे और हमारे जीवन में शुभता ही शुभता होगी। आइए मैं अपने जो एक बात आपके बीच में काट रहा हूँ जी, हमारा आज का प्रोग्राम तो जो था सूर्य और गुरु के ऊपर ही केंद्रित था, पर बात शनिदेव की निकल आई है, तो शनिदेव पर किसी दिन हम विस्तार चर्चा करेंगे। पर एक छोटी सी जानकारी आपसे मैं दर्शकों के को दिलवाना चाहता हूँ कि कई लोग शनिदेव के जो दर्शन करने जाते हैं मंदिरों पर, एक दिन आपने जिक्र किया था कि शनिदेव का कभी मंदिर जाके दर्शन नहीं करना चाहिए, तो उस पर थोड़ा सा बताइए कि दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, किसे करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा विषय आपने छेड़ा है, मैं आपको दर्शकों को हमारे बताना चाहूँगा। देखिए, शनि का जो मुख्य स्थान है जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पर सिर्फ उनकी शिला है, सिर्फ पत्थर है, वहीं पर उनकी पूजा अर्चना होती। आप लोग भी कहीं गए होंगे तो आपने देखा होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि संपूर्ण हिंदुस्तान में, मैं तो खैर इंदौर की और आसपास की बात करूंगा, कि यहाँ पर लोगों ने मंदिर दुकानदारी के लिए मंदिर खोल लिए हैं, और लोग सबसे मूर्खता और अज्ञानता में करते हैं कि दिन में जाकर पूजा करते हैं। शनिदेव अंधेरे के देवता हैं, वो अंधेरे के बाद ही एक्टिव होते हैं, उनकी कृपा या जो भी है वो अंधेरे के बाद में मिलती है। एक तो लोग दिन में पूजा पाठ करते हैं, और उनकी आँखों का आप देखिए कि कितने मूर्ख होंगे जिन्होंने मंदिर बनाया होगा अपनी दुकानदारी चलाने के लिए और समाज में भ्रम फैलाने के लिए मूर्तियाँ उन्होंने स्थापित कर दी है। अब हम जब वो मंदिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो हमारी नज़र उनसे मिल ही जाएगी, और देखिए उनको अपनी पत्नी का श्राप है शनि का कि जिस पे भी आपकी टेढ़ी नजर पड़ जाएगी, आपका हित हो, शुभता और कृपा मिलना तो दूर, आप उनके कोप के भाजन बन जाएंगे, अशुभता मिलेगी, और जिसकी टेढ़ी नजर पड़ जाती है वो बर्बाद हो जाता है इंसान, उनका चलता हुआ काम रुक जाता है, सफलता के पहिए थम जाते हैं। तो शनि देव प्रसन्न होते हैं तो उनके किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं, जो जो श्रम करते हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, वो शनि के प्रतिनिधि हैं। यदि हम उनकी सेवा करते हैं तो शनिदेव वैसे ही प्रसन्न होंगे। हमें आचरण सही रखना है, हमें अपना व्यवहार सही रखना है, हमें धोखाधड़ी नहीं करनी है, हमने 420 नहीं करनी है, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी के पैसे नहीं हड़पना है, किसी के संपत्ति पर कब्जा नहीं करना है, अपने माता पिता का आदर करना है, क्योंकि जो शनिदेव हैं वो मात्र भक्त हैं। जो भी अपने माता पिता की सेवा करता है शनिदेव निसंदेह उनसे प्रसन्न होते ही हैं, और उनके आराध्य जो है वो श्री कृष्ण है, उनके गुरु भोलेनाथ है, और उनके सखा मित्र जो है वो हनुमान जी है। यदि हम तीनों देवताओं की नियमित रूप से यदि पूजा अर्चना करते हैं, उन पर श्रद्धा रखते हैं, तो शनिदेव की कृपा बनी ही रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि हमें न्याय के रास्ते पर चलना है, झूठी गवाही नहीं देना है, किसी का भी अहित नहीं करना है, किसी का भी पैसा नहीं हजम करना है, तो शनिदेव प्रसन्न रहेंगे। अब ये लोग क्या करते हैं, मंदिर तो बना ही दिया, अब हमारी नज़र कभी ना कभी पड़ जाएगी, ऊपर से तेल बेच रहे हैं, कील बेच रहे हैं, वो दुकानदारी लगा लिए, तो ये लोग ऐसे लोग जो पाखंडी लोग हैं, जो अज्ञानतावश या लालचवश समाज को भ्रमित कर रहे हैं और समाज में अशुभता फैला रहे हैं। तो इस चीज से दूर रहिए, आपको मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो मैंने बताया उपाय करिए, आचरण सही रखिए, लोगों का भला करिए, अपनी जो माता बहनें हैं उनको उनको आदर सम्मान दीजिए, अपने पत्नी का सम्मान दीजिए, वो लक्ष्मी आपके घर की, उनको सम्मान दीजिए, तो शनि निश्चित रूप से उनकी कृपा बरसती ही रहेगी। क्योंकि शनि देव का एक नाम है कुबेर, उनका नाम है कुबेराय, तो शनि देव यदि आप पे प्रसन्न हो गए तो निश्चित रूप से कुबेर जो भगवान है उनकी कृपा बरसी जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो शनि देव की कृपा बरसने की, अच्छे कर्म करिए, शुभ कर्म करिए। आपका नंबर एक बार हमारे दर्शकों को बता जी। देखिए, मैं राजेश शर्मा हूँ, मैं वास्तु विशेषज्ञ भी हूँ, और मैं अंक ज्योतिष हूँ, और ऑरा विशेषज्ञ हूँ, हैप्पीनेस गुरु हूँ, मोटिवेशन गुरु हूँ, और फैमिली गुरु हूँ। यदि आप मेरी कोई भी सेवा लेना चाहते हैं तो मेरा जो नंबर है 9009997999 है, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा मकसद है कि जीवन में लोगों को खुशियां देना और शुभता देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद पंडित जी, आप यहाँ पे आए और हमारे दर्शकों के बीच आपने इतना समय बताया, कहीं उपाय भी बताया, लेकिन अगली बार जल्दी हम पंडित जी को फिर यहाँ पे आमंत्रित करेंगे, उस समय हम शनिदेव के ऊपर विस्तार चर्चा करेंगे, इसके साथ ही दूसरे ग्रहों पर भी करेंगे, और साथ ही विशेषकर इन ग्रहों का विशेषकर महिला वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फायदे होंगे, ये हमारे अगले प्रोग्राम में होगा। तब तक के लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए, सिटी केबल नेटवर्क पर हमारे प्रोग्राम आप देख ही रहे। इसके साथ ही यह प्रोग्राम हमारा पूरा यूट्यूब पर भी है, यदि आप यूट्यूब पर भी देखना चाहें तो DOPHAR स्पेस NEW टाइप कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल आपको अगर पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।